Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry, brother. कहाँ जा रहे हो आज आप ही बताओ. फाइनली हम लोग को बता दिया ट्रिप बन गया कि लॉन्ग ड्राइव होने वाला है. ये वीडियो बहुत लॉन्ग जाने वाला है क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ से दुबई से अबू धाबी जाने वाला, तो देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या कर सकता है, मतलब रास्ते में क्या 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 ऐसा होता है. बहुत फन रहेगा, दोनों जन जा रहे हैं, फुल इंजॉय करेंगे. हम लोग ऐसे जा रहे हैं नेपाल एमबेसी में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, खास करके उसी हिसाब से हम लोग का ब्लॉग भी हो जाएगा. गाड़ी लेंगे और गाड़ी लेके ड्राइवर आएंगे पेपर देने के लिए. हम लोग का उधर कौन सी जगह मांगो और कुछ ना डोले जगह धर भगत ऐसे ऐसे करता यार वहाँ मुझे सही है. तो अभी हम लोग बड़े गाड़ी लेके जाने वाले हैं, तो बड़ी गाड़ी कम्फर्टेबल रहेगा ले जाने के लिए क्योंकि उसका तालिक वगैरह सब है ना चार्जर का. ये हमारा हीरो निकल गए वहाँ पर वाटर सेक्सी कार. और इससे भी डेंजर मुझे ये लगता है, देखो बैंड तरफ से मर्सिडीज के मैक. तो अभी हम लोग जाने वाला है ये गाड़ी लेके, चलते हैं. अभी अबू धाबी गए नहीं तो वहाँ से तो हम लोग का पेपर वर्क होने के बाद वहाँ से जाने वाला है. तो अभी कुछ बोलना है आपको? कोई तो रोक लो. ये बंदा मैंने कल रात को मैसेज किया, मामा जी आपको हाफ पैंट नहीं फुल पैंट पहन के जाना था. कौन कौन बोला? उसका बाप खरीद के देगा मुझे फुल पैंट? देगा तो बोलो मैं पहन लेंगे. अभी बाद में जिसने फोन किया होएगा देखो बाद में जी स्टॉक क्या आया हुआ. ऐसा तो बंदा है. बोलना चाहोगे आपको? नहीं, नो कमेंट्स. तभी तो एकदम डोले सोले दिखा रहा था. अरे भाई ट्राइसेप देख रहे हैं मामा जी का. हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं शारजा के लिए, सॉरी अबू धाबी के लिए, क्योंकि यहाँ का जो भी हमारा पेपर वर्क था ना वो हो चुका है. तो यहाँ से निकलते देखते कितने टाइमिंग में हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, देखेंगे वहाँ पर कितने भीड़ लगता है क्या होता है. यहाँ तो बहुत ज़्यादा आदमी था, अभी 35 जन था अंदर, तो इधर 35 जन है तो और जगह दो तीन जगह से आ गए तो मैं भी नहीं तो नहीं लाइन तो लगने वाला नहीं पड़ेगा. अभी हम लोग ने अभी चाय पिया था नेपाल दर्शन में, बहुत अच्छा चाय था. बट चाय के सिवा कुछ नहीं पिया था. अभी उधर ही जाके नाश्ता करके कुछ होएगा तो उधर ही करेंगे. अभी भी अभी हम लोग का मतलब अभी दुबई अभी तक छोड़ा नहीं, यहाँ से दो स्टेशन बाकी, उसके बाद हम लोग का दुबई फिनिश होएगा. उसके बाद आएगा अबू धाबी का रोड. अबू धाबी का तो कितना है स्पीड है मामा? 140 के स्पीड बम बम. सेल्फी फिनिश इधर ये
सेल्फी से बहुत बचने का अपने को, सेल्फी से। गाड़ी का सेल्फी बहुत डेंजर है भाई, बहुत महंगा सेल्फी। और ये देखो अबू धाबी यूएई। अबू धाबी पहुंच गया और अबू धाबी को रोड में एंजॉय हो रहा है, गाड़ी एकदम मस्त स्मूथ ही चल रहा है। अब तो इनका पेट थोड़ा छोटा हो गया और यहाँ बस और 20 मिनट लगेगा हम लोग को नेपाली एम्बेसी पहुंचने के लिए। इससे पहले कुछ नहीं यार, कितने डेढ़ घंटा पूरा ड्राइव कर रहा है बेचारे। मैं तो थोड़ा सो गया था ऐसे करके बातों बातों में, तो अभी इधर हो गया खत्म। अब 20 मिनट पहुंचेंगे फिर। अभी बोल रहे कि तुम अब धाबी नहीं आया, मैंने बोला अब धाबी आया, रात को आया था ये 10 साल में 2 बार आया, रात को आया, किधर उतरा किधर चला कुछ पता नहीं। अभी तो कुछ देख रहा हूँ ना, ये तो उधर तो कुछ नहीं पता चला था, हंस रहा है मेरे को। तो देखा था तुम लोग को अब धाबी का रोड। अभी रोड और ये रहा हमारा मैप भी चालू है, देखा 19 मिनट बाकी। फाइनल हम अब धाबी पहुँच गए। अभी तो पार्किंग नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बस पार्किंग नहीं मिला था, पार्किंग मिलके मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पार्किंग करने के बाद चला जाए। सबसे पहले प्रॉब्लम है पार्किंग का यार, पार्किंग पाया गाड़ी सा, नो पार्किंग। ये वाला बिल्डिंग जो है वो नेपाली में से, तो अपने पार्किंग ढूंढने के बाद पार्किंग मिलने के बाद उधर कोई बात हम जाएंगे। यही बस तो नहीं अपना, नहीं नहीं ये नहीं रहेगा। हम लोग का गाड़ी उधर खड़ा हुआ है और पार्किंग के लिए, तो हम लोग इधर ना अबू धाबी में ऑनलाइन पार्किंग करना पड़ता कार से, बहुत डिफिकल्ट है। आ गया नहीं हुआ नेपाली एम्बेसी ने तो लिखा हुआ है नेपाल राजदूत और नेपाल का झंडा, ये रहा एम्बेसी। फाइनली हमने यहाँ पहुँच गया, बंद करा एम्बेसी का, एम्बेसी का काम ख़त्म हो गया। बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भी था, तो अपने को क्या है ना भूख बहुत तगड़ी लग रही, तो अब यहाँ काम हो गया, अब जाऊँगा खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर सोचूंगा क्या करने के लिए। तो अभी मेरा बहन भी इधर है पर वो उसको थोड़ा टाइम लगे आने के लिए, उससे पहले भी मैं घर जा सकता हूँ, कोई आइडिया नहीं। फिर तो खाने में क्या मिलता है इधर, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हम लोग ज़्यादा बैठ नहीं सकते। फाइनली हम लोग का खाना आ गया, इतना ब्राइट ही नहीं है मामा। अभी खाना खा के निकल गए हम लोग बाद जैसे, मैं सच बोलूं उतने में ना मुझे दो चीज़ बहुत पसंद आया, बाकी कुछ नहीं। एक है अचार, एक है अचार, एक है भात, बाकी कुछ पसंद नहीं है। बहुत खाना बेकार था, वो चिकन में भी किस तरह बनाया था डिफोज, ये कहीं होता है ना चिकन में स्मेल था तो बोल नहीं सकता था। तो हमारे में कहावत है खाना अच्छा या भूख अच्छा, तो भूख अच्छा था, खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हाँ ना, हम लोग यहाँ से निकल गए, निकलने के बाद खाना भी खाया, खाना बहुत ही पापा अच्छा बन चूल्हे खाना खाते हैं, और यहाँ से जाएंगे पेट्रोल भरने के बाद जाएंगे घर। बस बहुत नींद आ रहा है मामा, नींद आ रहा बिल्कुल, नींद आ रहा है। बोले क्या ये अबू धाबी ऐसे ही जैसे कि होना चाहिए। नाइस अबू धाबी में, पर नहीं अबू धाबी एक ठीक है, रोड वगैरह बहुत छोटा छोटा है, दुबई का रोड वगैरह बड़ा बड़ा है ना, दुबई भी बहुत छोटा रोड है, रोड ओके चलता है, रोड वगैरह छोटा छोटा, हर एक जगह लाइव कैमरा डाल के रखा हुआ है, मतलब कैमरा वगैरह जो होता है लाइव कैमरा, जगह बहुत टाइट है ड्राइविंग करने की। 60 है तो 60 ही चला सकते, उससे ज़्यादा नहीं, 70 है तो 70 ही चला सकता, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। यदि आपको तो ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा।